आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट 100 यानी कि 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन रिलेटेड होंगे झारखंड राज्य से, जो कि आपके आने वाले एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करेगा और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1872 में, 1872 में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित हैं? तो ये टोटल है 73%। झारखंड के पहले सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे बाबूलाल मरांडी, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 2009 में। झारखंड में कितने ज़िले हैं? तो झारखंड में टोटल 24 ज़िले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने सदन हैं? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो यहाँ पर केवल एक ही सदन है। झारखंड राज्य के आकार किसके समान है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो ये है चतुर्भुज के समान, ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर। झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? देयर इज फोर ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर इज हाथी, ठीक है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये हुआ है 15 नवंबर 2000 को। झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2001 में। झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 9 अगस्त 1995 में। झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? तो ये टोटल हैं 32। झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो ये हैं टोटल 7 विश्वविद्यालय। झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार हैं? तो ये टोटल कितने प्रकार के हैं? ये हैं टोटल 6 प्रकार के। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, झारखंड किस राज्य से कटकर बना है? तो ये कटकर के बना है बिहार से, बिहार की राजधानी पटना। झारखंड का स्थापना दिवस कब है? तो ये है 15 नवंबर। झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो टोटल 18 जिले थे। झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया? तो ये बनाया गया 1908 में। झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह है रांची, जो कि झारखंड की कैपिटल यानी राजधानी भी है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हुंडरू जलप्रपात किस जिले में है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रांची, झारखंड राज्य की राजधानी। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? प्रथम मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया है, तो ये हैं बाबूलाल, पहले डिस्कस किया हम लोगों ने, बाबूलाल मरांडी। जतरा टाना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ये की थी 1914 में। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि किसने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी, तो ये हैं जतरा टाना भगत, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, कब की हैं, ये हैं 1914 में। मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है धनबाद में, याद रखिएगा मैथन जल विद्युत केंद्र। झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है?
तो ये है 12.1%। झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ये है हजारीबाग में। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रांची को। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। और रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960 में हुई थी। गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बहती है साहिबगंज जिले में। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साहिबगंज जिले में। झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1861 में। झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1980 में। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये है झारखंड राज्य ने। झारखंड धाम किस जिले में है? ये है आपका गिरिडीह में। राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? ये स्थित है बुंडू में। कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट सीमांत कृषि प्रदेश। झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? तो ये टोटल 77%। झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? कुएं का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो ये है लोहरदगा। वैसे तो कुएं से होती है, बट अगर बात की जाए नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की, तो ये झारखंड का कौन सा क्षेत्र है? लोहरदगा, इम्पॉर्टेंट है। राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये है गुमला। झारखंड में लोहे इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ था? लोहे इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ था 1913 में। झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो एल्युमिनियम की हुई थी 1937 में, लोहे की हुई थी 1913 में। रांची झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो ये है चेको स्लोवाकिया। किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो ये है धारवाड़ युगीन। झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये है झारखंड की राजधानी रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजी संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है कहाँ पर? इसको याद, ये है आपका फिजी संयंत्र कारखाना, ध्यान से देख लीजिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गई है। तो ये कहाँ पर है आपको बताना है? पूर्व चेकोस्लोवाकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो ये है आपका बराकर। राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो ये है स्वर्ण रेखा। झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका उत्तरी पूर्वी भाग में। झारखंड में सर्वाधिक कौन सा शैल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका आर्कियन शैल,
इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये टोटल है 400 मीटर। झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो यह है 463 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की बात हो रही है, अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। ईस्ट से वेस्ट की जो है लंबाई कितनी है? 463। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? नॉर्थ टू साउथ की बात हो रही है, तो ये टोटल है 380 है। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का, तो ये है 2.42। ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? तो ये है नेतरहाट। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? ये भी है नेतरहाट, ठंडा भी है और ऊंचा भी है, दोनों ही है नेतरहाट। झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से जानी जाती है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है? पुनपुन नदी। निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? चार ऑप्शन दिया है, उत्तरी कोयल, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी नदियाँ झारखंड राज्य की हैं। झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? यह है पाकुड़। झारखंड के किस जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता है? तो ये है रांची। किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है? तो ये है आपका पाकुड़। झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है टोटल? तो ये है 56.21%। झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? तो यह है लोहरदगा, यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है अगर बात की जाए झारखंड की। झारखंड के किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो ये है आपका पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं? तो टोटल है ये 259। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो ये है रांची। रांची इम्पोर्टेंट है। राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये है धनबाद। झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं? टोटल 35 अनुमंडल हैं। झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो ये है हाथी, अभी हमने डिस्कस किया था। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है, नेशनल बर्ड कौन सा है? तो ये है कोयल। झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, गुलाब, मोगरा, रोहिड़ा या पलास। तो ये हो जाएगा पलास, ये है राजकीय पुष्प। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 1986 में। झारखंड में कितने जिले नए बनाए गए हैं? तो ये टोटल 6 जिले नए हैं, 18 से 24 हो गया। राज्य के किस जिले में तोप चांची झील स्थित है? तो ये धनबाद में है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रख लीजिएगा तोप चांची झील, ये कहाँ पर है? धनबाद में है।
झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो टोटल ये हैं 13। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस जिले में राजमहल फासिल अभ्यारण्य स्थित है? तो ये जिला कौन सा है? साहिबगंज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, साहिबगंज याद रख लीजिएगा। राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है? रांची इज आवर करेक्ट आंसर। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है बूढ़ा गाग जलप्रपात। सबसे ऊंचा बूढ़ा घाग जलप्रपात, ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है कौन? तो ये है नेतरहाट। झारखंड की औद्योगिक राजधानी कौन सी है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो ये है जमशेदपुर। याद रख लीजिएगा, औद्योगिक राजधानी की बात हो रही है, ये है जमशेदपुर। झारखंड में पहला तांबा प्रगलन केंद्र कहाँ पर है? झारखंड का पहला पूछा गया है, तो ये है आपका घाट शिला, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये गाया जाता है पर्व त्योहारों के अवसर पर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैं बार बार कह रही हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। झूमर गीत पर्व त्योहारों के अवसर पर गाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? चित्रकारी, नृत्य, विवाह या गीत? तो ये कहा जाता है नृत्य को, ठीक है। धुबिया झारखंड में किसको कहते हैं? नृत्य को, ऑप्शन बी है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, झारखंड में झंझाइन गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये गाया जाता है संतानोत्पत्ति के अवसर पर, जब किसी को संतान होती है तो झंझाइन गीत गाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, और ये शुरू हुआ था 1767 में, यानी कि 1767 में, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? बेदिया, भूमिज, चिकबड़काई या बैगा? और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भूमिज, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, याद रख लीजिएगा इंपॉर्टेंट है। झारखंड में किस जनजाति में संयुक्त परिवार को भाई बंद कहा जाता है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गोंड, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। झारखंड राज्य में निजी वनों को कब नियंत्रण में लाया गया? तो ये लाया गया 1952 में। झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा, तो ये है पवड़िया नृत्य, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, पवड़िया नृत्य। झारखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो ये है संथाल, संथाल के बाद झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये है उराव, पहली संथाल, दूसरी उराव। झारखंड के किस जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है? तो ये भी है उराव, ए इज आवर करेक्ट आंसर, उराव। झारखंड की किस जनजाति का प्रधान देवता सिंह बोंगा है? ये है मुंडा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। झारखंड में चुआर विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? इम्पॉर्टेंट है, हिस्ट्री के से रिलेटेड है ये, तो चुआर विद्रोह किस स्थान पर हुआ था?
यह हुआ था सिंह भूमि में, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। झारखंड में कोल विद्रोह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1820 में। पलामू का चेरो राज्य कब स्थापित किया गया था, तो यह किया गया था 1572 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा, पलामू का चेरो राज्य कब स्थापित किया गया था, 1572 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, झारखंड के राजमहल क्षेत्र पर कंपनी का अधिकार कब हुआ था, तो यह हुआ था 1741 में, 1741 में। झारखंड के किस क्षेत्र में चुआर विद्रोह हुआ था, तो वो क्षेत्र था आपका पंचेत, ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर। झारखंड में चेरो विद्रोह कब हुआ था, यह हुआ था 1770 से 71 में, चेरो विद्रोह। झारखंड में आदिवासी सभा का गठन कब हुआ था, यह हुआ था आपका 1938 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। झारखंड में जवाहर दिवस कहाँ पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है रांची में। किस वर्ष मान सिंह बिहार का गवर्नर बनकर आया था, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो ये है 1589 में मान सिंह बिहार का गवर्नर बन के आए थे। किस काल में झारखंड राज्य को कुकरा के नाम से जाना जाता है, तो ये काल था मुगल काल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। झारखंड के किस जिले में घना वनावरण वाला जिला है, वो जिला कौन सा है, तो ये है चतरा, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम लोगों ने झारखंड राज्य से संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ये आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, जो रेड वाला पोर्शन है ये झारखंड का है, ये इंडिया का मैप है जिसमें से हम देख रहे हैं, जो रेड वाला पोर्शन है ये झारखंड है। और अगर हम लोग बात करें इसका कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ये आप देख रहे हैं मैप, ये सभी ये जो कलर्डफुल हैं ये हैं झारखंड का। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।